एक बास है, इसीलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बास का व्यू कैसा है, पूरा बास। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 9:52 और मतलब थोड़ा भी समय नहीं मिला गाइस आज मुझे थोड़ा और ब्लॉग करने के लिए। दुकान में जो लास्ट ब्लॉग किया था उसके बाद घर में आया और बहुत काम था गाइस जो करना था मुझे, इसलिए करने का समय नहीं मिला। और अभी मतलब भात साथ खाया हूँ और मतलब आपके लिए ब्लॉग ओपन किया हूँ। और मैं आग भी देख सकते हैं आप लोग, पूरा नींद आ रहा है मुझे, अभी सोना है मतलब। लेकिन मैं आप लोग के लिए सिर्फ आधा घंटा एडिट करने के लिए बैठूंगा ये ब्लॉग को और उसके बाद सोऊंगा। तो ये गाइस ये ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है और आप लोग जो जो मतलब देख रहे हैं वो लाइक करके जाइए, क्योंकि बहुत कष्ट होता है गाइस एक एक ब्लॉग बनाने में, बहुत मेहनत लगता है, बहुत कष्ट होता है। तो आप लोग देखते रहिए, इसकी मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ठीक है। और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना ही कुछ कर सकते हैं लाइफ में, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है ठीक है ना। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड है, तो देखते रहिए। और गाइस थोड़ा भी समय नहीं मिला, मैं जैसे आपको बोला थोड़ा भी समय नहीं मिला, इसीलिए मैं मतलब ब्लॉग नहीं कर पाया वरना मैं 20 का जो टाइम था 20 के टाइम में भी कर पाता ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मेरा जो दर्द है। तो ठीक से तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हेलो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 8:04 और आज का ब्लॉग का मतलब शुरुआत हो चुका है, इसीलिए आप लोग पूरा देखिएगा ब्लॉग लास्ट तक क्या होगा आज पूरा दिन में। और अभी गाइज मैं मतलब थोड़ा दुकान में बैठूंगा, सवेरे के टाइम में आपको मालूम है मैं क्या करता हूँ, तो दुकान में थोड़ा बैठूंगा उसके बाद डायरेक्ट कॉलेज जाऊंगा। तो वही रूटीन है, लेकिन क्या अलग होता है वो देखने का आप लोग का मन करेगा, वो अलग चीज जो है वो दिखाऊंगा आज आप लोग को। तो चलिए निकलते हैं और थोड़ी देर बाद बात करेंगे ठीक है ना। तो गाइज अभी कॉलेज जा रहा हूँ मैं और आपको यही बताऊंगा कि मतलब अभी थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे कॉलेज और टाइम हो चुका है गाइज 9:49 और थोड़ी देर पहले मतलब मैं बास से नहा हूँ, अभी नहा हूँ, थोड़ा देर हुआ है नाम के मतलब मैंने एक जरोस किया मतलब एक पतला पेपर एक था जरोस करने का, मैं अपना मतलब दुकान में भूल गया था करने के लिए जरोस, जब बास में बैठा था अभी याद पड़ा हो मेरा एक जरोस करना था, इसीलिए यहाँ पे 5 रुपया दे के जरोस कराना पड़ा, क्योंकि अपना दुकान होके भी मुझे बाहर से कराना पड़ रहा है। तो मैं भूल गया, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ आज मैं भूल गया, वरना मैं वहाँ पे दुकान में अपना दुकान में कर लेता। लेकिन अभी मतलब बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे कॉलेज, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, इतना देर नहीं लगेगा। तो मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ आप लोगों से कॉलेज में पहुँचने के बाद और कैसा ब्लॉग आज पूरा दिन देखते जाइए। तो आज अभी कॉलेज से निकल चुका हूँ और घर जा रहा हूँ और गाइस अभी टाइम हो चुका है, रुकिए मैं आपको टाइम एक बार बता देता हूँ, 12:56 और अभी थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे आधा घंटा के बाद, क्योंकि मतलब आधा घंटा मतलब बस स्टैंड तक ज़्यादातर नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड से आपका आधा घंटा लगेगा, तो आप पकड़ लीजिए और आराम से 45 मिनट में पहुंच जाएंगे घर ठीक है ना। तो अभी चलते हैं, देखते रहिए ब्लॉग पूरा। और आज का मतलब क्लास पूरा ख़त्म हो चुका है और जो फेसास है फेसास के लिए मतलब वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट सब, लेकिन मैं वहाँ पर प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना डांस वांस आता भी नहीं है, सिंगिंग भी नहीं है, टैलेंट इतना नहीं है, जो है वो कर रहे हैं अभी और इतना मतलब और कुछ भी टैलेंट नहीं है। तो घर जाने के बाद मैं बात करता हूँ आप लोगों से क्या होता है, तो देखते रहिए ब्लॉग मेरा, तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो गाइस अभी बस में आ रहा हूँ घर और पूरा हाईटेक बस है, इसीलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बस का व्यू कैसा है पूरा बस। ऊपर का फीलिंग आ रहा है यहाँ पे बैठ के, मज़ा है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के गाइस, नाइट सुपर का फील दे रहा है। कॉलेज से अभी आया हूँ मैं और अभी टाइम हो चुका है गाइज 1:30, इतना ही स्पीड आ रहा था वो बस, मतलब क्या बोला था, नाइट सुपर का जैसा स्पीड आ रहा था वो बस, और मतलब पूरा स्पीड में आया है गाइज। और अभी हम मतलब घर आके मतलब पहुँचा ही हूँ यही समझ लीजिए, क्योंकि पहुँच ही गए घर। तो गाइज बहुत खतरनाक स्पीड था उसका, मतलब आपका मेरे हिसाब से 30 या 25 ऐसे मिनट में वो मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया, लेकिन बास वाला इतना स्पीड में मतलब चलाता नहीं है, वो जिस लेवल का चलाया मतलब ड्राइवर एकदम एक्सट्रीम लेवल का राइडर था वहाँ पे, लेकिन अच्छा लगा जल्दी आ गया। तो अभी थोड़ी देर बाद में आप लोगों से बात करता हूँ
अभी थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, क्योंकि फ्रेश होगा नहीं हूँ मैं, एकदम पूरा सर भी दर्द कर रहा है, इतना गर्म है ना गाइस, आज का गर्म मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का है, हाई लेवल का है। तो थोड़ा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद आराम से बात करेंगे, ठीक है ना, तो बाद में बात करते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 4:34 और मैं आधा घंटा पहले आ चुका था यहाँ पे, और एक बैठा हुआ हूँ गाइस अभी, और पूरा आज कैसा दिन जा रहा है आप लोगों को पूरा मालूम है, पूरा दिन कैसा गया है और अभी रात तक कैसा जाएगा वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। देखते रहिए मेरा ब्लॉग और सपोर्ट कीजिए, जो नहीं कर रहे हैं या जिसको मतलब मेरा ब्लॉग इतना अच्छा नहीं लगा वो भी सपोर्ट कीजिए, अभी भी अगर एक भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा तब भी सपोर्ट कीजिए। और गाइज अभी आके पहुंचे हैं घर और टाइम हो रहा है आपका 6:55 हो रहा है टाइम, और ये पर चाय पी रहे हैं। चाय का एक सिस्की नहीं होने से ना शाम को गाय एकदम दिन खराब हो जाता है, क्योंकि हम लोग आसाम का आदमी है, आसाम में मतलब ज्यादातर टी प्रोडक्शन होता है, तो चाय मतलब चाहिए और वो भी स्पेशल। मैं तो नॉर्मल चाय मतलब पीता नहीं हूँ, और पीने से मतलब स्पेशल पीता हूँ। और अभी मतलब थोड़ी देर बाद मैं मतलब आया हूँ बंद करके दुकान, क्योंकि खुद का भी मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना, खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, वरना तो तकलीफ हो जाएगा, इसीलिए सबको मतलब तरह से मतलब मैनेज कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं क्या होता है और आगे इन फ्यूचर को कुछ होता है या नहीं होता है वो भी देखा जाएगा, ऊपर वाला क्या करेगा वो भी देखा जाएगा, ठीक है ना। सब ऊपर वाले की भरोसे पे छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ वो सिर्फ देता है लेता नहीं, तो यही मैं मानता हूँ और यही मैं बोलता हूँ सबको भी बोलता हूँ कि वो देगा कभी लेगा नहीं, तो ऊपर वाला सिर्फ देता है लेता नहीं, तो अभी देखते हैं कितना देता है ना। तो बाद में आप लोगों से मैं बात करता हूँ थोड़ी देर बाद, पहले ये चाय पी लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो गाइस अभी 10 बज गया है और ये ब्लॉग यहीं पे एंड है, और अभी मतलब मैंने खाना खा के उठा हूँ और आपको मतलब ये मतलब वीडियो एक बना दूंगा, मन बना रहा हूँ अभी, और अभी मतलब मैं सोऊंगा गाइस, क्योंकि कल रात को मतलब बहुत देर हो गया, 12 बजे सोया हूँ, ब्लॉग्स व्लॉग एडिट करके और भी काम था वो सब करके 12 बजे सोया हूँ, और सवेरे उठा हूँ आपका 7:30 उठ गया था। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आज जल्दी सोएंगे और आप लोग को ये ब्लॉग देखने को मिल जाएगा, 12 बजे से पहले देखने को मिलेगा अभी रात को, क्योंकि मैं अभी एडिट करूंगा 10 मिनट 15 मिनट में मैं मतलब एडिट करके अपलोड कर ही दूंगा डायरेक्ट, तो क्योंकि सोना है मुझे तो मैं अपलोड लगा के सो जाऊंगा, आप लोग आराम से देख सकेंगे, और थोड़ा अगर मतलब स्लो हो गया नेट तो 12 बजे का पार हो जाएगा, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।